हाँ, तो हम लोग आज ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स में दो पोर्शन है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट वेव को लाइट रे की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, जो कि इजियर होता है। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव अपने वेव फॉर्म में है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लाइट वेव को लाइट रे कैसे लें, तो इस सेक्शन का पहला टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लाइट वेव एज लाइट रे। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने का स्टूडेंट अगर खड़ा हो गया तो आप हमको नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप क्लियरली। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास दो तरह का वेव है, एक लाइट वेव है और एक साउंड वेव है। ये डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितना है। जैसे लाइट का वेवलेंथ बहुत कम है, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में होता है। 400 वायलेट है, 700 रेड है, बहुत छोटा है वेवलेंथ ये। साउंड का वेवलेंथ काफी बड़ा होता है, 1 मीटर के आसपास। तो मान लीजिए कि आपके सामने का जो स्टूडेंट खड़ा है उसका विड्थ हम बी ले रहे हैं। मान लीजिए ये बी है 30 सेंटीमीटर, 30, तो 0.3 मीटर हुआ। ये साउंड के कॉम्पेरेबल है, लेकिन लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। तो अगर वेवलेंथ से बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है तब वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और तब वो बेंड नहीं होता है। तो साउंड वेव के हिसाब से ये कॉम्परेबल है, छोटा है, तो साउंड वेव बेंड करता है। तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, उससे उसके बॉडी से बेंड कर जाएगा, लेकिन लाइट वेव जो जाएगा वो उसके बॉडी से बेंड नहीं करेगा। तो हमसे जो लाइट निकल रहा है वो सामने के स्टूडेंट से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, तो आप हमको नहीं देख पाइएगा, स्टूडेंट के शैडो में आप चले जाइएगा। साउंड वेव जो है वो उससे बेंड कर गया। अब देखिए, जनरल केस में जो आप 9th 10th में पढ़े होंगे, तो 9th 10th में आप क्या पढ़े हैं? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, ऐसा। इस सब में हम इसको साइज कहते हैं, जैसे एपर्चर कहते हैं। तो लेंस तक में जो साइज है या एपर्चर है वो लैम्डा लाइट से, वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करता है, डाइफ्रैक्ट नहीं करता है। अब समझिए कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है साइंस का कि एनीथिंग व्हिच डाइफ्रैक्ट्स या बेंड्स इज अ वेव। तो अगर लाइट बेंड नहीं कर रहा है तो लाइट को हम वेव जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो जनरल केस में आप जो 9th 10th में पढ़े होंगे स्कूल में, उसमें आप लाइट वेव को लाइट रे के तरह ट्रीट किए होंगे। स्ट्रेट लाइन में चलता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, ऐसे। और इसका एनालिसिस स्ट्रेट लाइन का इजियर होता है। तो जनरल केस अगर हम लें मिरर का या लेंस का, तो इन सभी केसेज में हम लोग लाइट वेव को अप्रोक्सीमेट करते हैं लाइट रे से, ठीक है। और जो ऑप्टिक्स का पार्ट जो लाइट रे से डील करता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है इसका कि हम लाइट वेव को लाइट रे के तरह ट्रीट करते हैं। अब समझिए कि हम आपको इनिशियल क्लासेस का रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, एडवांस क्लास में। जैसे पहला हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, जो आप सेकंड सेक्शन इसका देख रहे हैं। जैसे देखिए कि लाइट रे यहां पर इंसिडेंट है वाटर सरफेस पर, यहां आप देख रहे हैं लाइट रे इंसिडेंट है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो इंटरफेस पर ये इंसिडेंट है लाइट रे। जिस पॉइंट पर ये टच करेगा, पॉइंट ओ पर, वहां से वाटर सरफेस पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, एन, ओ एन हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब समझिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल,
इसको जो मिला के एक प्लेन बनाएंगे, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है प्लेन, आप इसको पढ़ते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं, हम जैसे लिखा रहे हैं आपको, आप लिखिए इसको, द प्लेन फॉर्म्ड विथ द इंसिडेंट रे, प्लेन फॉर्म्ड विथ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। हम ऐसे प्लेन लिखते हैं, प्लेन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? तो अब समझिए कि लाइट रे इंसिडेंट रे अगर हम इंसिडेंट रे का देख रहे हैं, अगर हम इंसिडेंट रे का देख रहे हैं और ये नॉर्मल का प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, अब समझिए, तो एक आप पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? जब कभी भी लाइट रे किसी इंटरफेस पर आएगा तो इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है हमेशा। तो जब ये इंटरफेस पर आएगा तो इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो नीचे लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, ये रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? उसको अंडरलाइन कर दीजिए और नीचे लिखिए द रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे लाइज, लाइज एल आई ई एस, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसी के प्लेन में रहता है, लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड, एंड नीचे लिखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई डैश, यहां दिखा हुआ है फिगर में, आई डैश बराबर इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो आई डैश बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है? ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, सिंपल है ये। नीचे लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ, ये है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अंडरलाइन कर दीजिए, इस पे लिखिए द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड है, द रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये भी इसी प्लेन में है, तो सभी समझिए एक ही प्लेन में है। तो द रिफ्रैक्टेड रे लाइज एल आई ई एस इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड, एंड, और यहां लिखिए नीचे म्यू इंटू साइन थीटा बराबर सी, म्यू इंटू साइन थीटा बराबर सी, ब्रैकेट में कर दीजिए कांस्टेंट फॉर ए गिवन रे, यहां लिख दीजिए कांस्टेंट के बगल में कांस्टेंट फॉर ए गिवन रे, ठीक, इसको घेर दीजिए बॉक्स में और इसको लिख दीजिए स्नेल्स लॉ फॉर द गिवन रे, इसको लिख दीजिए आप स्नेल्स लॉ। क्या बताता है ये? बताता है कि किसी रे का किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जैसे हम इस मीडियम में देखें एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, म्यू वन, लिखिए म्यू वन साइन आई, साइन आई, ये म्यू वन साइन आई बराबर सी बराबर इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो सेकेंड मीडियम में जब म्यू टू में जाएगा, आप पढ़ते हैं इसको टेंथ में डेंसर मीडियम, मान लीजिए वाटर है, ये वाटर अगर है तो ये डेंसर मीडियम है, तो म्यू टू बड़ा होगा, आप पढ़े हैं म्यू टू होता है 1.33
और म्यू वन है ए आर का वन, तो ये बराबर म्यू वन साइन आई बराबर सी बराबर म्यू टू साइन आर, लिखिए म्यू वन साइन आई बराबर सी बराबर म्यू टू साइन आर, ठीक है म्यू टू साइन आर। और तब इससे आप लिख सकते हैं नीचे, नीचे लिख सकते हैं हेंस साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, नहीं साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। इसको पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ, लेकिन स्नेल्स लॉ को अगर इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं हम लोग, अगर इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो ये बेटर है। साइन आई बाई साइन आर आप जो पढ़ते थे टेंथ में उससे डिफिकल्ट सवाल नहीं बन सकता है, इससे बन सकता है डिफिकल्ट सवाल। जैसे हम आपको एक सवाल दिखाएं डिफिकल्ट जो आईआईटी में पूछा था, आईआईटी में पूछा था 95 में, हम आपको ये डिफिकल्ट सवाल दिखाते हैं इससे कैसे बनता है। जैसे ये सवाल है देखिए, इसमें एयर से लाइट रे आ रहा है 90 डिग्री पर आ रहा है, इसको कहते हैं ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग या ग्लांसिंग एंगल मींस ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंटरफेस आया ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 डिग्री। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास का है 1.5, इसमें अगर हम देखें तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रहा है, और ये वेरी कर रहा है तो यहां रिलेशन दिया हुआ है। तो ये लिख लीजिए आप कॉपी में, एग्जाम्पल वन आईआईटी 95 का सवाल है ये, म्यू बराबर 1 plus KY power 3/2 और होल का पावर 1/2 रूट है ये, यहां पर K जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 meter power -3/2 1 है ये। अब समझिए कि ये पॉजिटिव है 1, तो यहां पर ओरिजिन पर जब आया तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो y कितना है 0, अगर यहां पर आप y को 0 रख दीजिएगा तो म्यू कितना हो गया 1, तो यहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक। जैसे ही आगे जाएगा ये y बढ़ेगा और म्यू बढ़ेगा, तो स्नेल्स लॉ से हम अगर लिखें म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट फॉर दिस रे, तो आप समझिए कि अगर म्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा घटेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो अभी थीटा कितना है 90 डिग्री है और म्यू 1 है, तो ये प्रोडक्ट कितना है 1 म्यू इंटू साइन थीटा, ये रे अगर प्रोडक्ट 1 है म्यू साइन थीटा, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये कहीं भी चला जाएगा ये प्रोडक्ट म्यू साइन थीटा 1 ही रहेगा इसके लिए। तो आईआईटी में जब पूछा तो एक लाइन ये भी पूछा लास्ट में कि एयर में जब ये निकलेगा तो कितना एंगल पर निकलेगा, ऑब्वियसली एयर में जब म्यू 1 है तो अगर म्यू को 1 कर दीजिएगा तो प्रोडक्ट को 1 करने के लिए थीटा 90 होगा, तो अगर एयर में ये जब जब निकलेगा तो 90 डिग्री पर निकलेगा, एयर में 90 निकल गया, लेकिन इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है, हम ये समझ पाएंगे कि जैसे जैसे म्यू बढ़ते जाएगा इसका एंगल ग्रेजुअली 90 से घटते जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा ऐसे। तो आईआईटी में पूछा इसका इक्वेशन ऑफ पाथ निकालिए, अब ये बेसिकली मैथ्स है, अगर हम देखें ये इक्वेशन ऑफ पाथ होता है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमको निकालना है y एज ए फंक्शन ऑफ x। देखिए तो इस मीडियम के लिए म्यू इंटू साइन थीटा 1 होगा, तो यहां पर इसका सर्टेन एक y होगा, जैसे अगर हम यहां दिखाएं इस जगह का तो यहां पर एक इसका y है इतना दूर, ये अगर हम देखें तो ये इसका y है, तो इस y पर इसका एक थीटा होगा, यहां पर यहां y बड़ा तो थीटा छोटा, आप देख रहे हैं थीटा छोटा हो गया, तो इस जगह हाईली मैथमेटिकल है। अब ये सवाल आईआईटी में रिपीट नहीं करेगा, लेकिन आईआईटी में
2018 में एडवांस में पूछ आई है अलग अलग लेयर देके, खाली यहाँ का एंगल, तो लेयर्स के हिसाब से आप अलग अलग एंगल था, धीरे धीरे लेयर्ड था, तो लास्ट पर एंगल पूछ रहा था। तो लास्ट लेयर का अगर आप म्यू निकाल लेते हैं जिसका इक्वेशन दिया हुआ था, तो वहां का साइन थीटा वन कर देंगे हम उसके हिसाब से वन बाय म्यू, तो थीटा वहां का निकल सकता था। तो ऐसा ही सवाल रिपीट किया आईआईटी में 2018 में जेई एडवांस में, लेकिन ये पूरा काफी मैथमेटिकल था। ये हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इसको वही बच्चे बना पाए जिन्होंने ये सीखा था स्नेल्स लॉ, म्यू साइन थीटा बराबर कॉन्स्टेंट। अगर इसको हम वैसे लिखते साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, तो इस सवाल को हम नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक एडवांस लेवल का एक सवाल हो सकता है, हाईली मैथमेटिकल, जो कैलकुलस पर बेस्ड है। तो इसके लिए म्यू साइन थीटा वन कर देंगे और म्यू का मान वाई के हिसाब से यहां लिख देंगे, तो साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा निकल जाएगा तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, आप कभी पढ़ते होंगे डिफ्रेंसिएशन, वो होता है टेन अल्फा यहां पर। तो उसके हिसाब से, टेन अल्फा के हिसाब से साइन थीटा कॉस थीटा लिख के हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर पोर्शंस में आप पढ़ सकते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये काफी बड़ा है। आज के डेट में इतना बड़ा आईआईटी में नहीं पूछता है, और मेडिकल में या नीट में तो नहीं पूछता है। हम सिर्फ ये एग्जाम्पल दिखा रहे थे आपको स्नेल्स लॉ का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, कि स्नेल्स लॉ को ऐसे याद रखिए, म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कॉन्स्टेंट। तो आप अगर चाहें तो ये फिगर आप बना सकते हैं इसके साथ। तो हम आपको देते हैं एक मिनट टाइम, ये फिगर बनाइए और ये लिख लीजिए आप ये पूरा, एज म्यू इंक्रीजेज थीटा डिक्रीजेज हेंस लाइट रे बेंड्स। आज के डेट में नीट में या मेडिकल्स में अगर पूछेगा तो इसका पाथ ही आपको पूछ सकता है। तो पाथ जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होके कर्व है, या जैसे आईआईटी में पूछा, हम लोग लेटर टाइम में डिस्कस करेंगे कि अगर ये लेयर्ड है और एनथ लेयर का अगर आप निकाल सकते हैं म्यू, तो वहां का आप थीटा भी निकाल सकते हैं कि 90 से घट के 60 हो गया लाइक दैट, या ऐसे करके। आप यहां देख रहे हैं कि ये एंगल यहां पर 90 से घटते जा रहा है, तो इसको आप उतार लीजिए इतना दूर, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। इतना उतार लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं आधा मिनट, एक मिनट उतार लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं, तो हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको आप उतार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है आपके लिए, कि इसका हम नेचर समझ सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। अब समझिए कि अगर हम लोग लिखें कि ठीक है, उसको आप उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट लिखिए अगला सेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट सेक्शन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर नहीं लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हम लोग इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। आप लिखिए यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो म्यू बराबर होता है सी बाई भी, म्यू बराबर सी बाई भी, ये लिख दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है बराबर सी बाई भी, लिख लिए। नीचे लिखिए हेयर, हेयर सी बराबर, सी बराबर
स्पीड ऑफ लाइट इन वैकम। ठीक है, नीचे लिखिए भी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसके हिसाब से अगर हम ये देखें कि जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अगर 1.5 है, तो यहां अगर हम देखें तो भी बराबर हो जाएगा सी बाई म्यू। तो लाइट का वेलोसिटी वैकम में सबसे ज्यादा है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ग्लास में ये वेलोसिटी कम होके हो जाएगा c/1.5। ग्लास में ये 1.5 टाइम्स कम हो जाता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। आप ये समझिए सिंपल कि जितना टाइम्स कम हो गया उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैकम का 1 है, एयर का है 1.003, उसको भी 1 लेते हैं हम लोग, क्योंकि एयर अवेलेबल है इजीली हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं v/c/μ ऐसे। अब यहां देखिए, अब जैसे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर जो आपका बना हुआ है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइट का हम लैम्डा लिख रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी न्यू लिख रहे हैं। ये सब आप पढ़े हैं वेव्स में, फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। अब एक चीज समझिए कि जैसे फ्रीक्वेंसी है न्यू, जैसे आप देखते होंगे ट्यूबलाइट में या बल्ब में छपा रहता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज है इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये नहीं बदलता है कभी भी, एक्सेप्ट एक डॉपलर पढ़ेंगे हम लोग जब सोर्स ही भागने लगता है ऐसे, अनलेस अंटिल दैट। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में। तो आप ये समझिए कि लाइट वेव जब रिफ्रैक्ट कर रहा है, यहां से यहां, तो वेलोसिटी घट गया वाटर में, और जैसे सेकेंड मीडियम हम डेंसर ले रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर घट गया तो लैम्डा घट गया। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नहीं घटता है, ठीक। अब देखिए, हम अगर इस पर लिख आपको लगाना चाहे स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लिखे म्यू सैचुरेटेड कांस्टेंट। तो इसके लिए अगर हम देखें तो स्नेल्स लॉ में देखिए, यहां साइन आई बाई साइन आर हम लोग कर दिए μ2/μ1। μ2 क्या हुआ? μ2 हो गया c/v2, μ2 हो गया c/v2 वेलोसिटी ऑफ लाइट में, डिवाइडेड बाई c/v1। सी कट गया, ये हो जाएगा v1/v2। अब v1 हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग वेव्स में पढ़े हैं वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो v1 हो जाएगा λ1 × ν डिवाइडेड बाय λ2 × ν। तो न्यू और न्यू कट गया और ये हो जाएगा λ1/λ2, ठीक है। तो हम स्नेल्स लॉ का एक और फॉर्म पढ़ सकते हैं, आप टेंथ में पढ़े, साइन आई बाई साइन आर इज μ2/μ1। हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं और यहां से आप अगर देखिए तो ये हो जाएगा v1/v2 बराबर λ1/λ2। इसको एक साथ याद रखते हैं हम लोग, ये ऑप्टिक्स में भी काम करेगा और साउंड वेव में भी काम करेगा। साउंड वेव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन वहां भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। तो साउंड को भी अगर हम दिखाएंगे तो रिफ्लेक्ट करता है पार्शियल और रिफ्रैक्ट करता है। तो हम साउंड वेव में भी स्नेल्स लॉ जैसा लगा सकते हैं, क्या भाई, साइन आई बाई साइन आर इज v1/v2 इज λ1/λ2। ऑप्टिक्स में जब इसको लिख रहे हैं हम, तो इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंबाइंड फॉर्म, रामायण महाभारत जैसा, ठीक है, कि हम एक साथ रख रहे हैं इस पूरे फॉर्म को।
तो देखिएगा कभी कभी कि आपको लैम्डा का जरूरत पड़ेगा कभी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देगा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी कंफर्टेबली लिख सकते हैं, ये स्नेल्स लॉ ही है। तो हम अगर इसको समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट का वेलोसिटी अगर एयर से वाटर में घट गया तो लैम्डा घट गया। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नहीं घटा, फ्रीक्वेंसी वही रहता है हमेशा, रिफ्लेक्शन में तो नहीं चेंज हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि लैम्डा वन है तो यहां भी लैम्डा वन है, रिफ्रैक्शन में लैम्डा टू है, तो वी टू इज लेस देन वी वन, दैट इंडिकेट्स लैम्डा टू इज लेस देन लैम्डा वन। तो स्नेल्स लॉ का ये कंप्रिहेंसिव फॉर्म्स में हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम आपको बताए कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिलाने वाला प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी प्लेन ऑफ इंसिडेंस में रहता है। तो बेसिकली ये एक ही प्लेन में है, ये टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। और हम लोग स्नेल्स लॉ का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़े जिसको आप 12th के बोर्ड्स में लिख सकते हैं, आप इसको म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, और स्नेल्स लॉ का एक कंप्रिहेंसिव फॉर्म पढ़े जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं। हम लोग एक और चीज पढ़े कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है सी बाई भी, और जितना टाइम्स लाइट का स्पीड कमता है, घटता है, डिक्रीज करता है, उस फैक्टर को म्यू कहते हैं। तो अगर वाटर में 1.33 टाइम्स घटता है तो वाटर का म्यू कितना हो गया? 1.33 हो गया। हम लोग इसको 4/3 कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तक लिख लीजिए, हम आपको देते हैं इसमें 1 मिनट ये लिखने के लिए। आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, कभी भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखिए, और जब कभी भी अटेंड करते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठना है उसमें, ठीक है, और तब उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखना है, रिवाइज करना है, ताकि हम लोग आगे फिर इसमें कंटिन्यू कर सकें। हमेशा हम कंटिन्यूएशन में पढ़ाएंगे आपको और इजीली पढ़ाएंगे आपको, आप इसको आराम से कर सकते हैं, स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी पोर्शन को तो हम लोग 8th 9th के पोर्शन से शुरू करेंगे, 8th 9th के लेवल से, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। तो हम अभी यहां तक आपको समय दे रहे हैं, इसको स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो हम आपको इसमें टाइम दे रहे हैं, देन हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन में हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, आपको दे रहे हैं कुछ समय, इसको नोट कर लीजिए।